हेलो दोस्तों, आज मिलने थॉमसन मेथड में केस नंबर सेकंड पढ़ेंगे इफ़ वी इज़ गिवन। बेसिकली ये जो मेथड होता है मिलने थॉमसन मेथड, ये एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए होता है। तो हमने पहला केस पढ़ा था जब यू इज़ गिवन था, आज हम पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या है वी गिवन दे रखा होता है, इमेजिनरी फंक्शन जो है दे रखा होता है, तब हमें जो है एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना होता है। तो हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आई वी, और डेरिवेटिव होता है एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो सी आर इक्वेशंस क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई में। तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल वाई को मान लेंगे फंक्शन साई एक्स कॉमा वाई, इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स को मान लेंगे फंक्शन, इसे साई वन मान लेंगे और इसे साई टू एक्स कॉमा वाई। तो जो हमारा एफ डैश जेड होगा वो हो जाएगा साई वन एक्स कॉमा वाई प्लस आई साई टू एक्स कॉमा वाई। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को जेड से रिप्लेस कर देंगे और वाई को जीरो से, तो एफ डैश जेड आ जाएगा हमारा साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो। तो इस एफ डैश जेड को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो ब्रेक इट क्लोज और डी जेड प्लस सी, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो एफ जेड बराबर साई वन जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस आई साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फार्मूला, लेकिन इसमें क्या है पॉइंट याद रखने के लिए, जो साई वन होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, जो साई टू होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, ठीक अपोजिट होता है। और इसमें क्या रहता है, प्लस साइन रहता है, जबकि यू वाले में क्या रहता है वो यहाँ पे निगेटिव साइन रहता है। अब हम लगाएंगे इस पर सॉल्व, अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल वन है डिटरमाइन द आइडेंटिटी फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज बी बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो हम इसको किससे मिलने थॉमसन मेथड से लगाएंगे। तो सॉल्यूशन तो दिया, सबसे पहले जो दिया था उसे लिख लेते हैं, वी बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन हम वन मान लेते हैं। तो जो हमारा इसको निकालने का जो एफ जेड का जो फार्मूला है, तो फार्मूला लिख देते हैं एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन साई वन जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस आई साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। तो साई वन और साई टू की वैल्यू, जेड कोमा जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साई वन एक्स कोमा वाई जो होता है हमारा वो डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, और साई टू एक्स कोमा वाई होता है वो डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो पहले वाली इक्वेशन से हम डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे और डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं। तो वी बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, तो इसे एक बार वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट कर देंगे तो हमें मिलेगा डेल वी अपॉन डेल वाई। डायरेक्टली माइनस साइन हम बाहर ले लेते, इसमें अंश और हर वाला फार्मूला लगा देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस का वाई, ये जीरो प्लस का टू वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसे मान लेंगे हम साई वन एक्स कोमा
वाई बराबर माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो अब हमें वैल्यू निकालने हैं साई वन जेड कोमा जीरो, तो एक्स को जेड से रिप्लेस कर देंगे और वाई को जीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ पर ये होल स्क्वायर रहेगा। तो प्लस का जीरो का होल स्क्वायर, तो साई वन जेड कोमा जीरो में मिल जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन जेड की पावर फोर बराबर, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का एक अपॉन जेड स्क्वायर। तो अब इसे हम वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट करेंगे और साई टू एक्स कोमा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाई मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स और एक अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर ले जाएंगे माइनस का वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का वन, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का वाई माइनस का वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की पावर माइनस टू इंटू टू एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का टू एक्स सॉरी इंटू वाई माइनस का वाई इंटू माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होता है साई टू एक्स कोमा वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर टू एक्स कोमा वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो साई टू जेड कोमा जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए, इसमें वाई को जीरो से और एक्स को जेड से रिप्लेस कर दिया, तो टू इंटू जेड कोमा जीरो अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये वैल्यू आ गई है जीरो। तो हम फार्मूले में रख देते हैं, तो एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन साई वन जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस आई साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी, इस वाले फार्मूले में तो रख देते हैं, इसकी वैल्यू आई थी माइनस एक अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड प्लस आई इंटीग्रेशन ये जीरो डी जेड प्लस सी एफ जेड बराबर, तो एफ जेड बराबर तो ये माइनस का बाहर निकाल लेंगे हम, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी माइनस एक अपॉन जेड प्लस सी, तो ये आ जाएगा एफ जेड बराबर एक अपॉन जेड प्लस सी, और यही होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ये एफ जेड आ गया हमारा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।